जौनपुर में समाजवादी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। सपा के तीन बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें पहला नाम जगदीश सोनकर का शामिल है। जगदीश सोनकर चार बार सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री भी थे। तो ही दूसरा नाम सुषमा पटेल का है। सुषमा पटेल 2017 में बसपा के टिकट पर मुगराबाद शाहपुर से विधायक चुनी गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सुषमा पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। तो ही तीसरा नाम किराकज के पूर्व विधायक गुलाब चंद सरोज का है। गुलाब चंद सरोज 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सपा के कई और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सपा के साथ साथ आरएलडी के भी कई बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले लगभग हर महीने दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा।